हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुराग द्विवेदी के, पूरी तरीके से मैं आपको प्रूफ के साथ उसे एक्सपोज करने वाला हूं, साथ ही साथ एफसीजी और उसका जो आपने फ़ोटो देखा है थंबनेल में तो उसकी जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेड टीम देने का अनुराग द्विवेदी का जो असली मकसद क्या है, पेड टीम देने के बाद भी वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है, कितना आपसे फ्रॉड करता है वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। प्लेयर स्पॉट को दोनों ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं इतना मैं आपको उसकी वजह भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एफसीजी और अनुराग की जो कंट्रोवर्सी थी, अब दोनों दोस्त कैसे बन गए ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो अनुराग द्विवेदी के साथ साइड है या फिर फैंटेसी के साइड है, तो मैं आपको चाहता हूँ इस वीडियो को आप दोनों ही जो है फुल देखिए, उसके बाद अपने आँखों में जो आपका जो भक्ति का जो आप जो सनग्लास पहन के हो ना, आपका सनग्लास जो है हट जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि असली मकसद इन दोनों का क्या है और कैसे आप लोगों से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लॉस जो हो रहा है वो आपका हो रहा है, ना कि उन लोगों का कुछ भी लॉस हो रहा है। वो लोग दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों का पैसा लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पेड टीम का असली मकसद क्या है। पेड टीम कौन देता है? अनुराग द्विवेदी देता है, ठीक है। तो पहला तो वो जो पेड टीम का पैकेज जो निकालता है उससे उनको जो पैसा मिल जाता है ड्रीम इलेवन पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ड्रीम इलेवन आप लोगों का पैसा वो लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं ड्रीम इलेवन पे, उसमें से अगर वो समझ लीजिए वो अगर 1 लाख इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसमें से अगर वो रिटर्न उसके पास जो है 80,000 रुपया आता है, यानी अगर 20,000 अगर उसका लॉस भी हो जाता है फिर भी वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो 80,000 विनिंग का स्क्रीन शॉट आपको दिखाएगा, ठीक है। कभी कभी लॉस का भी दिखाता है ताकि आप लोग जो है आपको बिलीव हो कि वो ओरिजिनल पे है। बात कर लेते हैं उसकी टीम की, पेड टीम इसका जो है बहुत ही बुरा होता है। आप अगर खुद से दिमाग लगाओगे तो उससे अच्छा पेड टीम बना सकते हो। हालांकि फैंटेसी क्रिकेट गुरु ने भी उसका पेड टीम का असलियत जो है एक्सपोज किया है, बहुत ही बुरी टीम देता है। लेकिन क्रिकेट की बात है, कभी वो टीम चल भी जाता है 10 में से आप कह सकते हो 3 बार चलता है और 7 बार उसकी टीम जो है फ्लॉप होती है। लेकिन जो लोग जो पैसा दे देते हैं वो लोग तो कुछ नहीं कर पाते, एक बार पैसे देने के बाद दूसरा तो कोई बंदा आता ही नहीं है। इसलिए वो यूट्यूब पे वो चीज़ प्रमोट कर रहा है, अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रमोट कर रहा है और नए नए लोगों को फंसाता है। बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया पे है जो लोग उसकी बातें पे आ जाते हैं, आने के बाद जो है वो उनको जो है यहाँ पे बेला फुसला के पैसे लेके खुद इन्वेस्ट करता है और उसी पैसे के आपको स्क्रीनशॉट देके आपको बहलाता है यहाँ पे। और एक चीज़ जो आपको मुझे जो पता चला है, बहुत ही अंदर की बात है, जो वो पेड टीम देता है, जो जब वो टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे आपको बोलता है कि लीग ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो लीग ज्वाइन करने के बाद उसी समय वो भी लीग ज्वाइन करता है और वो जो टीम देता है टेलीग्राम पे, ठीक है, या फिर कहीं पे भी टीम देता है आप लोगों के साथ ही वो खेलता है और उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता है, उसमें भी उसकी विनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को पैसा लेके आप लोगों के साथ खेलता है, आप लोगों को हराता है और आप लोग से पैसा लूट लेता है। अब बात कर लेते हैं पेड टीम देने के बाद भी वो कैसे फ्रॉड करता है, कैसे आपसे पैसे लेने के बाद आपको जो कहता है कि ग्रुप में ऐड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। तो इसका प्रूफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। आप अगर जैसे ही टेलीग्राम मेरे चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिले। तो जैसे ही आप मेरे चैनल यानी फैंटेसी टीम पे ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे आप ये वाला ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे जो है बहुत ही उन्होंने उसका जो है पूरा एक्सपोजर है यहाँ पे, बहुत ही मेहनत से मैंने ये एफसीजी से जो है मैंने बात करके ये चीज़ ली हुई है। तो आप यहाँ पे देख सुन सकते हो कैसे वो पैसे लेने के बाद भी ऐड नहीं कर रहा है, उल्टा वो धमकी दे रहा है कि मैं ऐड नहीं करूँगा, तुम्हारा पैसा मैंने फ्रॉड किया है, तुम्हें जो करना है कर लो, साइबर क्राइम के पास जाना है तो जाओ कंप्लेन करो, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इतना ख़राब जो है ख़राब तरीके से लोगों का पैसा लिया है, सिर्फ एक दो का नहीं, इस वीडियो में जो आदमी बात कर रहा है उसने ही कहा है लगभग 70% से लेके 80% लोगों का उन्होंने जो है ऐसा ही किया है। तो बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट की। नंबर 3 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो से
तो मैं आपको इस पॉइंट से जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो मत करना भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जो है उससे अच्छा जो है टीम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि अभी का जो इंडिया वर्सेस, आप मेरा टीम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो शिखर धवन नहीं लिया था, यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया था आप शिखर धवन को मत लेना, तो वहीं पे आप देख सकते हो शिखर धवन जो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, वहीं पर हमारे कैप्टन और यहाँ पर हमारा जो है राहुल भी खेल रहे हैं, और हालाँकि शिखर धवन अभी अभी आउट हो गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे जो अनुराग द्विवेदी की टीम या जो भी टीम है उस पे जो है सारे के सारे ने जो है यहाँ पे शिखर धवन को लिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो ये कितना बेनिफिट है और कितना बेहतरीन टीम मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री में, जो कि आपको पेड टीम देके भी नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेयर स्पॉट की। तो अनुराग द्विवेदी ने पहले बताया था कि वो FCG जो है प्लेयर स्पॉट को प्रमोट करता है, और आप लोग उनसे जो है प्रमोट करने की वजह से जो लोग ज्वाइन होते हैं उनका कमीशन वो खाता है, तो ये उन्होंने ओपनली कहा है वीडियो में। अब जो क्या करता है, प्लेयर स्पॉट वालों ने जो है उनको भी थोड़ा पैसा दिया है, तो अब साले वो भी जो है प्लेयर स्पॉट को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो जो है FCG के बारे में नहीं बुरा बोलेंगे, और FCG भी नहीं जो है अनुराग द्विवेदी के बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि दोनों मिलके जो है प्लेयर स्पॉट की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्लेयर स्पॉट मत खेलिए, अगर कुछ ऐसे फ्रॉड लोग इसे प्रमोट करेंगे। एप्लीकेशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बुरा बोल रहा हूँ, जो ऐसे लोग इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं जो इसके लायक नहीं है, जो पैसे के लिए आपका जो है पैसा लूट के भाग सकते हैं, वही लोग आपको जो है इस ऐसे एप्लीकेशन को, जो पहले प्लेयर स्पॉट को गाली दे रहे थे, पहले बता रहे थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रीम इलेवन को प्रमोट करता हूँ, ड्रीम इलेवन ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रीम इलेवन को ही प्रमोट करूँगा और किसी एप्लीकेशन के बारे में आपसे शेयर नहीं करूँगा। अब से लेके वो जो है 3 से लेके 4 एप्लीकेशन को प्रमोट कर चुका है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए उसको पैसा मिलता है। तो कुछ नहीं, आप लोगों से प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, वो भी पैसे के लिए काम करता है। पहले जो प्लेयर स्पॉट उनको पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए वो प्लेयर स्पॉट को गाली दे रहा था, FCG को गाली दे रहा था, लेकिन अभी जो FCG और अनुराग द्विवेदी दोनों ही जो है प्लेयर स्पॉट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों अब मिल चुके हैं। वहीं पे जो प्लेयर स्पॉट की जो इवेंट हुई थी, जो थंबनेल में आपने फोटो देखा, वो प्लेयर स्पॉट के एक इवेंट पे दोनों को इनवाइट किया गया था, और दोनों को शायद बोला गया होगा कि आप प्लेयर स्पॉट को ज़्यादा प्रमोट करो, तो ऊपर से उनको भी पैसा मिलता है और सभी लोगों का जो है अच्छा होता है, और आपका पैसा जो है प्लेयर स्पॉट पे फंसता है, आप हारते हो या जीतते हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट ज़रूर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्लेयर स्पॉट से अच्छा है आप यहाँ पे HalaPlay खेलिए। HalaPlay पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे आसानी से, अगर आप इसका जो पॉन सिस्टम आपको अगर सजेस्ट कर लोगे, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जेन्युइन जो है यहाँ पे खेलता हूँ और यहाँ पे खेलता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, नीचे HalaPlay की लिंक है, आपको 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा, और कैश बोनस यूज़ करके आप जो है ग्रैंड लीग तक ज्वाइन कर सकते हो, और 1-2 लाख आप जो है कैश बोनस यूज़ करके भी जीत सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप HalaPlay खेलना, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, और ना ही HalaPlay वालों ने मुझे कोई प्रमोशन दिया है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप यहाँ पे हेड टू हेड खेलते हो ना, आपको हेड टू हेड के लिए कोई भी चार्जेस भी नहीं देना पड़ता। वो लोग जहाँ पे चार्जेस के ऊपर चार्जेस लेते हैं, यहाँ पे हेड टू हेड के लिए आप HalaPlay पे आपके पास कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसे जो आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, आप खेलना ना खेलना आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं FCG और अनुराग द्विवेदी की कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने FCG से यानी सैफ खान से मैंने बात की है, तो मैंने उसे कहा कि उसने फिर से जो है लोगों को लूट लेके लिए वर्ल्ड कप का जो है कुछ पैकेज उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो फिर से हमें आवाज़ उठाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं भाई, लोग मैं अगर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ अगर वो कुछ बोल रहा है ना, तो उसकी इमेज जो है ख़राब हो रही है, ऊपर से जो उसके फ़ैन हैं और उसके फ़ैन हैं दो लोग डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों के जो सैफ के जो है फॉलोअर्स है वो कम हो रहे हैं, इसकी वजह से वो जो है मुझे उसकी बातों से लगा कि इसकी वजह से वो अब अनुराग द्विवेदी से जो है अब उसके खिलाफ़ कोई भी वीडियो नहीं
डालेगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही जो कि प्लेयर स्पॉट के लिए प्रमोशन के काम कर रहे हैं तो दोनों को तो मिलकर रहना होगा। ऊपर से प्लेयर स्पॉट वालों ने ही बताया है कि जो अनुराग द्विवेदी कर रहा है वो करने दो और तुम अपना काम करो, वो अपना काम करते हैं, लोगों को चुतिया बनाओ, ठीक है। यही उन दोनों का अब जो है काम रहा है। FCG पहले सही आवाज़ उठा रहा था, लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद जब उसका मार्केट डाउन हो गया तब उसी समय जो है प्लेयर स्पॉट ने उसे कॉन्टेक्ट कर लिया और उसके बाद सैप को भी जो है दबाव बनाया गया है कि आप उसके ऊपर वीडियो मत बनाओ। और लोगों का भी जो है जिसका जो लोग पेटीएम लेते हैं वो लोग ले ना ले इसकी उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले अगर आप पेटीएम लेते तो कभी कहीं ना कहीं वो 50% सही होता था क्योंकि आपको प्लेइंग 11 के बारे में पता नहीं था, न्यूज़ रिसर्च करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत ही आसान है यार, 12 प्लेयर आपको जो है आपके खाते में मिल जाती है, उसमें से आपको 11 प्लेयर चूज़ करना है, उसमें से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना है। उसके लिए आप एक ऐसे फ्रॉड इंसान को पैसे दे रहे हो जो इस चीज़ के लायक नहीं है। तो मैं आपको फिर से करूँगा और जो लोग नीचे कमेंट पे अगर बिकॉज ये वीडियो अगर चल गया तो अनुराग खुद ही बोलेगा कि इस वीडियो को रिपोर्ट करो या फिर नीचे कुछ गाली वाली दो। तो अगर जितना गाली इस वीडियो पे आएगा उतना मैं रेगुलर अपडेट पे जो है अनुराग के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा और पेड प्रमोशन जो कर रहे हैं, पेड टीम जो बेच रहे हैं उसके खिलाफ मैं हर वीडियो में जो है उसके बारे में बात करूंगा। और आपको जो है कहीं ना कहीं जो है आपको समझना ये चीज़ है, अगर आपको टीम चाहिए तो टॉस के बाद मैं भी टीम देता हूँ, वो भी फ्री कॉस्ट में देता हूँ। आप 2-3 मैच ट्राई करो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप पेड टीम ले लेना। अगर पेड टीम से अच्छा टीम जो है मैं या फिर सैप या फिर कई अदर्स यूट्यूबर जो है प्रोवाइड करते हैं। आप वीडियो अगर अच्छे तरीके से देखेंगे और आपको अगर क्रिकेट का नॉलेज है या फिर फैशन है, आपको पेड टीम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ ये नहीं है कि आप पेड टीम ले रहे हो, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मैं पेड टीम लूँगा। आपको देख के जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को जो है ये फ्रॉड करता है। अगर हम लोग फ्रॉड के अगेंस्ट अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। और ये जो लोगों को चुतिया बना रहा है तो ये लोग जो है बहुत ही आगे निकल जाएंगे और एक दिन आप सभी का जो है इतना बड़ा लॉस होगा। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आपका कितना लॉस ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पे अगर हेट कमेंट ज़्यादा है तो वार्ड में अनुराग द्विवेदी के खिलाफ जो है वीडियो बनाने वाला हूँ और FCG भी अगर इसके अगेंस्ट जो अगर फिर से आवाज़ ना उठाए तो वो उसकी मर्जी है, मैं उससे और कोई बात और या फिर कांटेक्ट अब नहीं रखने वाला हूं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूं आप लोग वर्ल्ड कप में मैं आपको कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा विन कराने की। तो नीचे मेरी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता हूं, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। और वर्ल्ड कप के में अब मैंने सोचा है आपको जो है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों ही टीम जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं वो स्मॉल लीग टीम को यूज़ कर सकते हैं, जो लोग ग्रैंड लीग खेलेंगे वो ग्रैंड लीग टीम को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।